जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए भयानक आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 37 जवान शहीद, पूरे देश से उठी बदला लेने की मांग। पुलवामा में मौकाए वारदात पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचेगी 12 सदस्यीय एनआईए की टीम, एनएसजी की टीम भी घटनास्थल का करेगी मुआयना। पुलवामा के शहीदों के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रखा मौन, राजनीतिक मसलों पर नहीं की बात। पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, इसकी वजह से हम ये अनुचित समझते हैं कि हम अभी राजनीतिक चर्चा करें। पुलवामा हमले को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा चुनावी राजनीति छोड़कर देश हित का काम करे सत्तारूढ़ पार्टी। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। संभल में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, पुलवामा में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। मुरादाबाद में पुलवामा के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, पाकिस्तान का पुतला फूंक कर जताया गया विरोध। पुलवामा में हुए शहीदों को देवरिया में नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि, सैकड़ों लोगों ने कैंडल जलाकर रखा मौन। कानपुर में कपड़ा व्यापारियों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, सैकड़ों व्यापारियों ने जलाए श्रद्धा के दीप। आगरा में दिखा पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का आक्रोश, पुलवामा हमले का बदला लेने की मांग। प्रयागराज में भी शहीदों को किया गया नमन, पाकिस्तान से बदला लेने की मांग। उन्नाव में सीआरपीएफ के शहीद जवान अजीत कुमार के घर मातम, बिलखते दिखे परिजन।